सोनभद्र के दुधी कस्बे में शुक्रवार की शाम 5 बजे के करीब बीच बाजार में खड़ी कार से अचानक लपटे उठती देख हड़कंप मच गया। कार इलाके में ही हो रही एक शादी के लिए दुल्हन को ब्यूटी पार्लर लेकर जा रही थी। जब तक लोग कार का गेट खोल पाते तब तक उसमें बैठा 2.5 साल का मासूम गंभीर रूप से झुलस गया। आनन फानन में उसे उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुद्धी ले जाया गया। भीड़ भाड़ वाले इलाके में हुई घटना से जहां देर तक अफरा तफरी मची रही, वहीं इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं जारी रही। आग कैसे लगी इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि दिगुल क्षेत्र के वीरेंद्र कुमार की शादी झारखंड के नगर उचारी के एक युवती से हो रही है। लोवा नदी तट स्थित मंदिर पर शादी का आयोजन किया जा रहा है। शुक्रवार की रात होने वाली शादी के लिए परिवार के लोग जहां मंदिर परिसर में रस्में निभाने में लगे हुए थे, वहीं दुल्हन को सजाने के लिए कार से दुद्धी बाजार में अंबार मोड़ के पास इलाहाबाद बैंक के सामने स्थित ब्यूटी पार्लर में भेजा गया था। दुल्हन के साथ उसकी रिश्तेदारी से आया 2.5 साल का मासूम निखिल बुरी तरह से झुलस गया। जैसे ही कार खड़ी हुई, दुल्हन सजने संवरने के लिए ब्यूटी पार्लर में चली गई। चालक भी सड़क के दूसरी तरफ एक दुकान पर चाय पीने चला गया। निखिल कार में ही बैठकर खेलने लगा। कुछ मिनट बाद ही लोगों की कार पर नजर पड़ी तो देखा कि उससे धुआं उठ रहा है। ये देख हड़कंप मच गया। लोग दौड़ते हुए कार के पास पहुंचे, तब तक लपटे निकलने लगे। किसी तरह कार का गेट खोला, लेकिन तब तक 2.5 साल का मासूम गंभीर रूप से झुलस गया था। आनन फानन में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां से चिकित्सक डॉक्टर संजीव ने प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि मासूम के शरीर का 35% हिस्सा आग से झुलस चुका है। उधर बीच बाजार से कार से लपटे उठती देख भी हड़कंप मच गया। वहां खड़े लोग अपना वाहन लेकर भागने लगे। इसके चलते कुछ देर के लिए मौके पर जाम की भी स्थिति उत्पन्न हो गई। किसी तरह वहां मौजूद लोगों ने पानी बालू जैसी चीजें डालकर आग पर काबू पाया। तब तक कार पूरी तरह से जलकर नष्ट हो चुकी थी। कार दुद्धी इलाके के निमियाडीह गांव निवासी अनिल अग्रहरी की बताई जा रही है।